नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आज हम आपको बताने वाले हैं फ्रोजन शोल्डर के बारे में। इसमें कंधा जो होता है वो इस तरह से अकड़ जाता है और उसमें इतना दर्द होता है कि आप अपना हाथ और कंधा हिला ही नहीं पाते। ऐसे में क्या करें, ये बता रहे हैं हमारे डॉक्टर। फ्रोजन शोल्डर एक काफ़ी कॉमन बीमारी है। यूजुअली ये मिडल एज, मतलब 40 से 50 की एज ग्रुप में इंडिविजुअल्स में होता है। कुछ लोग को ज़्यादा टेंडेंसी होती है होने की, जैसे जिनको शुगर की परेशानी है, जिनकी लिपिड्स कोलेस्ट्रॉल की जिनको परेशानी है, या जिनको थायराइड की परेशानी है। इन बीमारियों की वजह से किसी कारणवश कंधे के अंदर, कंधे की मांसपेशियों में सूजन आ जाती है। उस वजह से वो कंधे की मांसपेशियाँ चिपक जाती हैं और कंधे की मूवमेंट करने में दर्द होता है। यूजुअली इट्स अ वेरी स्लो कंडीशन और सेल्फ रिजॉल्विंग कंडीशन होती है। मतलब कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम मतलब यूजुअली कहते हैं मेडिकल साइंस में कि 2 से 3 साल में इसका दर्द अपने आप, अगर कुछ ना कराया जाए तब भी ख़त्म हो जाता है। मगर जो स्टिफनेस आती है, अगर उसके लिए हम कुछ ना करें तो वो स्टिफनेस रह जाएगी। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो हमें जल्दी किसी शोल्डर सर्जन, शोल्डर एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, जिससे वो हमारी मूवमेंट्स के लिए एक्सरसाइजेस जल्दी शुरू करा पाए और हमारे मूवमेंट्स वापस आ जाएं। दर्द तो हो जाएगा कंट्रोल, साथ में मूवमेंट्स भी। और आइए देखते हैं आज क्या टिप्स लेकर आ रही है हमारी न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम बात करते हैं कुछ रिप्लेसमेंट्स को लेके, जैसे पनीर है। बहुत लोग पनीर नहीं कंज्यूम कर सकते क्योंकि लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं या डाइजेस्ट नहीं कर पाते पनीर जैसी हैवी चीज़, क्योंकि पनीर में फैट की क्वांटिटी भी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी भी होती है। इसे हम बहुत इजीली रिप्लेस कर सकते हैं टोफू से, जिसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन वैल्यू होते हैं और कैल्शियम होते हैं। इसमें फैट नेग्लिजिबल होता है या ना के बराबर होता है, इसीलिए टोफू एक बहुत ही वेजिटेरियन हेल्दी प्रोटीन कहलाता है। तो जो लोग पनीर नहीं यूज़ करते वो एकदम अच्छे से टोफू को रिप्लेस कर सकते हैं। जिन्हें टोफू का फ्लेवर नहीं पसंद होता, शुरू में वो कटलेट्स के फॉर्म में या टोफू को आटे में गूंध के उस फॉर्म में लेने की कोशिश करिए, क्योंकि एक प्रोटीन की मात्रा होनी बॉडी में ज़रूरी है, जो वेजिटेरियंस के पास ऑप्शन कम है। पनीर और टोफू दोनों ही डाइट में यूज़ करना चाहिए। जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं वो भी यूज़ करें तो बेनिफिशियल ही होता है, क्योंकि पनीर में कहीं ना कहीं कुछ फैट कंटेंट होता है। अगर घर का बना हुआ पनीर हो, लो स्किम मिल्क से बना हुआ पनीर हो, तो वो आप बेझिझक यूज़ कर सकते हैं। इक्विवली आप टोफू भी ऑल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं। और आइए आज हमारी योगा एक्सपर्ट आपको सिखा रही है पृथ्वी शामक मुद्रा। नमस्कार, आज जो मुद्रा करने जा रहे हैं उसके बहुत फ़ायदे हैं, खासकर आगे विंटर्स के लिए। अगर आपकी बॉडी बहुत कोल्ड टेम्परेचर्स में रहती है या ज़्यादातर हाथ पैर ठंडे रहते हैं, ये मुद्रा से आपको वापस ये चीज़ रिवर्स करने के लिए कि आपकी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो, वार्म हो, उसमें आ जाएगी। उसके अलावा ये आइज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस मुद्रा को हम दो पार्ट्स में देखते हैं या दो तरीके से देखते हैं, या हम इसे पृथ्वी शामक कहते हैं या सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा क्योंकि सूर्य जो हमारी अग्नि है बॉडी की, वो इंक्रीज़ होती है मेटाबॉलिज्म, तो इसलिए ये वेट लॉस के लिए, जिनको ओबेसिटी है उनके लिए मुद्रा बहुत अच्छी है। तो अब हम देखेंगे इस मुद्रा को हमने कैसे करना है। आप अपनी जो रिंग फिंगर है आपने उसको बेंड करके थम के स्टार्टिंग में यहाँ पे प्लेस करना है, यहाँ पे टच करना है, बाकी फिंगर्स को सीधा रखना है और थम से फिर इसको आप इस फिंगर को नीचे होल्ड करके रखेंगे, तो ये फिंगर आपकी इसी पॉइंट पे रहेगी, बाकी फिंगर्स स्ट्रेट रहेंगी। इसी तरीके से दोनों हाथों में और अपने बाजुओं को सीधा रखना है नीज पे। यहाँ पे आप कम से कम अपने आप को 10 से 15 मिनट दीजिए, खासकर अगर आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो है, आपकी बॉडी ज़्यादा कोल्ड रहती है, तो इसको आप 10 से 15 मिनट मिनिमम होल्ड करें, उसको आधे घंटे तक भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ देर ये मुद्रा होल्ड करेंगे और फिर आप बाद में एक्सहेल करते हुए रिलीज़ करेंगे। ब्रेथ को आप अपना नॉर्मल रखेंगे।
आज के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट आज आपको सिखा रही है एक क्ले मास्क। नमस्कार। मास्क्स यानी कि क्ले पैक्स स्किन को न सिर्फ क्लैरिफाई और टाइटन करते हैं लेकिन बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स को भी दूर कर देते हैं। आज हम बात करेंगे एक क्लैरिफाइंग मास्क के बारे में जिसमें हम फ्रूट्स एंड नेचुरल क्लेज इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक फ्रेश टमाटो जिसको हमें तकरीबन आधा ही इस्तेमाल करना है। इसको हम ग्रेट करेंगे। इसके बाद हमें चाहिए बनाना। बनाना हैज सॉफ्टनिंग प्रॉपर्टीज। सो मैश अप्रॉक्सिमेटली अ क्वार्टर बनाना। इट ऑल्सो हैज हाई कंटेंट्स ऑफ पोटेशियम। इसके बाद इसमें हम डालेंगे तकरीबन एक फ्लैट चम्मच चंदन का पाउडर, 1 teaspoon ऑफ मुल्तानी मिट्टी एंड लेमन जूस। लेकिन लेमन जूस पे ओवरडोज नहीं करना है बिकॉज इट कैन ऑल्सो स्टिंग द स्किन। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ताजा पानी एंड मिक्स। इट स्मेल्स सो क्लीन, इट स्मेल्स सो फ्रेश कि जब आप ये बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि इसकी वाकई में क्या खूबसूरत इसकी खुशबू है। स्किन क्लीन करने के बाद ये मास्क आप पूरे स्किन पे लगा लेंगे एंड जब ये एब्सोल्युटली ड्राई हो जाएगा इसको फ्रिज के ठंडे पानी से स्प्लैश करके फेस पे आप धो लेंगे एंड पैट ड्राई एंड यू सी दैट योर स्किन इज क्लीनर, क्लियरर एंड रिजुविनेटेड इन मिनट्स। सो चीयर्स एंड सी यू टुमारो। हमारी मेकअप एक्सपर्ट से जानिए कैसे फेस कट पर कैसी बिंदी सूट करती है। क्या आपको बिंदी लगाने का शौक है? तो आज की टिप आपको बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके फेस कट पे कैसे बिंदी अच्छी लगेगी। अगर आपका फॉरहेड ब्रॉड है और चिन नैरो है तो आपको छोटी बिंदी लगानी चाहिए। काफ़ी बड़ी बिंदी लगाने से आपके फॉरहेड पे अनड्यू अटेंशन अट्रैक्ट होगी जो हम बिल्कुल नहीं चाहते, इसलिए छोटी बिंदी का ही यूज़ करिएगा। अगर आपका चेहरा राउंड है यानी गोलाकार है तो आप थोड़ी लंबी बिंदी यूज़ करिए। मोटी राउंड बिंदी बिल्कुल मत लगाइएगा, इससे आपका फेस और भी राउंड लगेगा। इसके अलावा अगर आपका चेहरा ओवल है तो ये बहुत ही अच्छी शेप होती है, आप कोई भी बिंदी लगा सकते हैं। बस बहुत लंबी बिंदी अवॉइड करिएगा क्योंकि ये आपके चेहरे को ज़्यादा लंबा दिखा सकती है। इसके अलावा अगर आपका जॉ लाइन भी थोड़ा ब्रॉड है और फोरहेड भी थोड़ा ब्रॉड है तो आप वी शेप या सेमी सर्कुलर बिंदीज या फिर एब्स्ट्रैक्ट शेप की बिंदीज अप्लाई करें तो वो आपके फेस कट को कॉम्प्लीमेंट करेंगी। आई होप आपको ये सब इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लगी हो। थैंक यू। फिट रहे इंडिया में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो आप हमारे साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #fitreheindia। फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।